मेरा नाम नदीम मुनीर, दिल्ली से हूँ मैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली? बहुत बड़ी राहत मिली है। देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को न्याय देकर ये बता दिया कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार राहुल जी से डरती है, मोदी जी राहुल जी से डरते हैं। एक आदमी सिर्फ राहुल जी को नहीं मिला, राहुल जी बोले तो देश है, देश बोले तो राहुल जी है। ये देश में लोकतंत्र बचाने वाला एक ही आदमी है, वही राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने और राहुल गांधी जी उस जीत के नायक हैं, और आज पूरा देश दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा, दशहरा मनाएगा, क्योंकि तानाशाही मानसिकता की सरकार का पतन हुआ है। सरकार को नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं सुपर चिकन न्यूज़। पहले हम देखें कांग्रेस हेडक्वार्टर, पहले तो कांग्रेस मेरे चारों तरफ का यहाँ का माहौल दिखा दे कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल बन चुका है यहाँ पे। साथ ही साथ कहा जा रहा है आज जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है राहुल गांधी को, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं 2024 का जितना पास चुनाव आ रहा है उसकी रणनीति भी अब इसको देखकर तय होगी। मेरा नाम नदीम मुनीर, दिल्ली से हूँ मैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है? बहुत बड़ी राहत मिली है। देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया, के राहुल गांधी शेर आया, दुश्मन का पिंजरा तोड़ आया, भारत वर्ष का बाहुबली आया। जी लेकिन कल तक जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे, माफी नहीं मांगेंगे, हर चीज नहीं मांगेंगे, कोई गुनाह थोड़ी ना किया जो माफी मांगेंगे, कोई पाप थोड़ी किया माफी मांगेंगे। उन्होंने चोरों के ऊपर बोला था, दूसरों को क्यों आग लगी समझ नहीं आया हमें। लेकिन एक सवाल बहुत अहम बना हुआ था जब से राहुल गांधी को सजा हुई, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? हमें पूरी उम्मीद थी कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से जरूर हमें राहुल गांधी जी को राहत मिलेगी, वो ऐसा ही हुआ भी। हमें पूरी उम्मीद थी चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है 24 का डर छिड़ चुका है? छिड़ चुका है, और आज से तो दुगना पावर के साथ छिड़ चुका है। लेकिन अब आप राहुल गांधी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे। मैं राहुल गांधी जी का फैन नहीं, मैं सच्चाई का फैन हूँ। हाँ। मैं हक की बात करने वाले का, सत्य बोलने वाले का फैन हूँ, इसलिए मैं राहुल गांधी जी का फैन हूँ। अच्छा, मतलब सत्य की आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सत्य बोलते हैं, इसलिए हाँ, मैं तो सत्य तो मोदी जी भी बोलते हैं ना। अरे क्या लग रहा है, कहा जा रहा है राहुल गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली है कोर्ट से। देखिए, न्याय की सत्य की जीत हमेशा से हुई है। राम ने जिस तरीके से रावण का वध करके अयोध्या में वापसी किए थे, उसी तरीके से तानाशाही मानसिकता का सरकार का वध किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और राहुल गांधी जी उस जीत के नायक हैं। और आज पूरा देश दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा, दशहरा मनाएगा, क्योंकि तानाशाही मानसिकता की सरकार का पतन हुआ है। सरकार को तमाचा मारा गया है। जिस तरीके से कोर्ट ने आज कहा है कि राहुल गांधी जी की सजा पे स्टे दिया है, ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंसाया गया था। तो आज पूरे देश को विजय उत्सव मना रहा है, देश आज गर्व महसूस कर रहा है अपने संविधान पर, अपने कोर्ट पर, क्योंकि अगर ये सरकार रह गई तो सरकार कोर्ट पे, संविधान पे, लोकतंत्र पे, लोगों के लिए एक घातक साबित हो सकती है। और राहुल गांधी उन सब के लिए आवाज़ बन के निकले हैं जो कि मोहब्बत की दुकान खोले थे। आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था, जब राहत कल तक नहीं मिली तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी माफ़ी मांग लें। देखिए, माफ़ी किससे मांगना है, राहुल गांधी दिलों में बसते हैं। हाँ। जो दिलों में बसते हैं, राहुल गांधी हर हिंदुस्तानी के दिल में है, और हर हिंदुस्तानी राहुल गांधी के दिल में है। तो राहुल गांधी जी किसी हिंदुस्तानी का या भारतीय लोगों का तो अपमान करने की बात ही नहीं होती। जो व्यक्ति अपने चुनावी माहौल में जाके कहते हैं मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं फलाना हूँ ढिमका हूँ, मोदी जी काम करते हैं, तो राहुल गांधी जी कहते हैं मैं तो दिलों में हूँ, माफी मांगने की बात ही नहीं है। तो माफी किससे मांगे, देश की जनता राहुल गांधी की। देखिए यहाँ पे लगातार कांग्रेस हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल बन चुका है। भाई देखिए मेरे आगे और पीछे काफी यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता भी नजर आएंगे, और भाई साथ ही साथ कई कार्यकर्ता मेरे साथ ही, तो उनसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है उनको आज। सर पहले तो अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अंकुश भटनागर है। लेकिन सर कहा जा रहा है आज बहुत बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को। देखिए, इस देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता क्या जीत हुई है, इस देश की जनता की जीत हुई है। जिस तरीके से हिटलरशाही इस देश में चल रही है, आज उस देश में आज सत्य की जीत हुई है, और राहुल गांधी जी की जीत पे पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पे चुप हैं, जिस तरीके से हिटलरशाही पूरे देश में कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। लेकिन कल तक कहा जा रहा था कि राहुल गांधी माफ़ी मांग लें। देखिए, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे कौन परेशान हुआ, नरेंद्र मोदी परेशान हो। भारतीय जनता पार्टी की नीति है झूठ बोलो, जोर से बोलो और ताकत से बोलो। राहुल जी ना तो माफ़ी मांगेंगे, राहुल जी जनता की आवाज़ हैं, राहुल जी युवाओं की आवाज़ है, राहुल जी आम व्यक्ति की आवाज़ है, राहुल जी इस देश की मातृशक्ति की आवाज़ है। सर पहले तो बताएं आप कहां से आए हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आए हैं। NSA स्टेट प्रेसिडेंट मधु यादव। कहा जा रहा है राहुल गांधी
गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है कौन से है? आज राहुल गांधी जी को नहीं मिला, पूरा देश को मिला। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं पूरे देश को राहत मिली है? या देश को न्याय मिला आज, एक आदमी सिर्फ राहुल जी को नहीं मिला। राहुल जी बोले तो देश है, देश बोले तो राहुल जी है। ये देश में लोकतंत्र बचाने वाला एक ही आदमी है, वही राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी के साथ कौन आने वाला है, वही देश में लोकतंत्र बचा सकते है। यही पावरफुल लीडर है, स्टूडेंट के बीच में रहने वाला है, युवाओं के बीच में रहने वाला है, ये किसानों के बीच में रहने वाला है, मजबूत आदमी है। राहुल जी अभी जीत गया, आने वाला 24 का चुनाव भी पास आ रहा है, क्या अब रण सज चुका है कांग्रेस की तरफ से? आज ही जीत गया राहुल जी, तो 24 में जीतने का जरूरत नहीं, आज ही जीत गया। आज ही राहुल गांधी पीएम बन गया भारत देश। जश्न मना रहे हैं सारे लोग, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं? अब पूछिए आप एक बार। मैंने ये पूछा कि आप कहाँ से आए, पहले बताओ। हम आंध्रा से आए हैं। अच्छा, आप भी। मैंने ये पूछा कि जश्न का माहौल है पूरे यहाँ कांग्रेस कार्यालय में। राहुल जी इज द वन एंड ओनली ऑपोजिशन वॉइस, सो ही कैन राइज अपॉन मोदी। देयर इज नो अदर वॉइस टू राइज वॉइस अपॉन मोदी, दैट्स व्हाई दे ट्राई टू म्यूट राहुल जी बाय गिविंग दिस कन्वेंशन, इवन दो दे स्टॉप्ड टू नॉट टू गो टू पार्लियामेंट, बट इन द बॉटम ऑफ द हार्ट इन एवरी इंडियन नाउ, मतलब कहना चाह रहे राहुल गांधी हर भारतीय के दिल में बसे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी ये कन्विक्शन हुआ ना उसके लिए सभी लोग का दिल में स्थान ले लिया, लेकिन वो बंगला खाली करवाया, दिलों में उनका परमानेंट स्थान है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ, चलिए देखिए, और भी यहाँ पे काफी लोग हैं यहाँ पे, और उन्हीं से चर्चा करना चाहेंगे। देखिए मेरे आगे और पीछे काफी लोग हैं यहाँ पे, तो उन्हीं से चाहेंगे कि चर्चा करना चाहेंगे कि क्या लग रहा है उनको। देखिए यहाँ पे भी सर कहा जा रहा है राहुल गांधी को बहुत बड़ी जीत मिली है। राहुल जी के साथ साथ ये जीत देश की जीत है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत संसद से बाहर करने का काम किया गया, जिस तरह से राहुल जी जब देश के लोगों की आवाज़, अधिकारों की आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर संसद में डिस्क्वालीफाई करने के लिए जिस तरह से कार्य किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को न्याय देकर ये बता दिया कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार राहुल जी से डरती है, मोदी जी राहुल जी से डरते हैं। कल तक कहा जा रहा था कि माफी मांग ले। वही तो कह रहा हूँ कि राहुल जी से जो लोग माफ़ी मंगवाना चाहते थे और राहुल जी जो सत्य को लेकर खड़े थे उस पे चल रहे थे, आज दूध का दूध और पानी पक्का पानी हो गया, सत्य में विजय थे। राहुल जी अगर सत्य पे टिके हैं तो वो सच्चे हैं, इसीलिए टिके हैं, ना कि वो माफी भी रहे। उन्होंने लेकिन कहा ये भी जा रहा है अब राहुल गांधी को घर भी वापस मिल सकता है, सत्ता भी वापस मिल सकती है। राहुल जी कभी भी राजनीति में ना पद के पीछे भागे ना घर के लिए राजनीति किए, उन्होंने इस देश के आवाम, इस देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। एक स्वच्छ राजनीति जो एक राजनेता को करनी चाहिए, राहुल गांधी जी के कदम हमेशा इसलिए आगे बढ़े ताकि वो देश की जनता को न्याय दिला सके और उनके लिए काम कर सके। क्या 24 का लड़ छड़ चुका है 100%? जिस तरह से देश के जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भयभीत हैं, वो डरते हैं। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी क्यों डरेंगे सर, सत्ता में हैं। इसीलिए तो सत्ता का जो लोभ है उन्हें जकड़ के रखा है। वो सत्ता के लोभ में अपने चंद उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश के 96% जनता का उनको कोई भी अहम सवाल अब तक बना हुआ था, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी जी, मैंने दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के राजनीति करने का तरीका अलग है। वो चुनाव लड़े ना लड़े, वो पद में रहे ना रहे, वो देश की जनता की आवाज़ है और उस पर काम करते हैं। जश्न का माहौल है, पटाखे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये सत्य की विजय है। कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी के सत्य को जानते थे, पूरा देश जानता था, लेकिन एक आदमी दो आदमी वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही लोग देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, आज सच सामने आ गया है। तो देखा है आपने किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की कार्यकर्ता है और जश्न का माहौल है, पटाखे बजाए जा रहे हैं, ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।